हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारा चैनल ग्रामीण डिजिटल जोन में। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मनरेगा NMMS ऐप। उसका आपको पता होगा NMMS ऐप की मदद से आप मनरेगा का ऑनलाइन अटेंडेंस कर सकते हैं। आपके काम में जितने भी लेबर काम कर रहे होंगे तो आप वहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस कर सकते हैं। आपको पता होगा अभी एक NMMS ऐप का नया ऐप लॉन्च हो चुका है, NMMS ऐप 3.0.0, ठीक है। और इसमें अभी कुछ नया फीचर आ चुका है, कुछ नया ऑप्शन आ चुका है। उसी में एक ऑप्शन है एडिट मास्टर रोल अटेंडेंस, ठीक है। तो इसके पहले बहुत किसी को डाउट था कि हम लोग मास्टर रोल का जो अटेंडेंस है, मान लीजिए कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस कर चुके हैं, उसको हम लोग एडिट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी अटेंडेंस कर चुके हैं, अटेंडेंस मान लीजिए कि आप कैप्चर कर चुके हैं, तो उसको आप एडिट किस तरह से करेंगे, पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मास्टर रोल को एडिट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो अटेंडेंस है वो बस कैप्चर किया हुआ होना चाहिए, यानी कैप्चर करने के बाद आप सेव कर चुके हैं लेकिन उसको अपलोड नहीं किए हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार आप उसको अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपका एडिट करने का उस ऑप्शन से काम नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, एक बार अगर आप किसी तरह अपलोड कर चुके हैं तो आपका एडिट नहीं होगा। अगर आप अपलोड नहीं किए तो आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले जो NMMS ऐप है, आपको इस तरह से आपका NMMS ऐप का लोगो दिखेगा। सिंपली आप इस NMMS ऐप को ओपन कर लीजिए। जैसे आप इस ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपका पेज रिफ्रेश होगा, यहाँ पर आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड को डाल देना है और ये जो लॉगिन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एडिट करने के लिए जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है कैप्चर अटेंडेंस, आप अटेंडेंस पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैप्चर अटेंडेंस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तीन ऑप्शन। जो सबसे बीच वाला है आपको ध्यान रखना है, एडिट मास्टर रोल करने से पहले आपको यहां पर अटेंडेंस कैप्चर कर लेना, यहां पर जाके आप अटेंडेंस कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एडिट होना शुरू हो जाएगा। यहां पर अगर आपका जीपीएस लॉगिन नहीं होगा, जीपीएस आपका अगर परमिशन नहीं होगा, सिंपली आपको उसको एनेबल करना होगा। एनेबल नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जीपीएस को यहां से लोकेशन को ऑन कर देना, ठीक है। लोकेशन को ऑन कर दीजिएगा, एडिट मास्टर रोल अटेंडेंस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, देख सकते हैं आपका रिफ्रेश होना शुरू हो चुका है। जैसे आपका नेटवर्क रहेगा उसी हिसाब से आपका रिफ्रेश होगा। यहां पर आपका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहां पर आपका ले लेगा, यहां पर डेट जो अटेंडेंस आप लिए हैं वो डेट आपका यहां पर आ जाएगा। सिंपली आपको यहां पर वर्क कोड जो है यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, यहां पर देख सकते हैं जो वर्क का आप अटेंडेंस लिए होंगे वो वर्क यहां पर आ जाएगा। सिंपली आपको उस वर्क को सिलेक्ट करना है। वर्क सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर रोल नंबर, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ उस वर्क में जितना मास्टर रोल नंबर होगा वो आपको दिख जाएगा, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। अब एडिट का ऑप्शन आ चुका है, जिसका जिसका आप यहाँ पर अटेंडेंस किए होंगे वो आपका डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसका एब्सेंट है किसका प्रेजेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसका जो है लास्ट वाला जो है इसका हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे, टिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क ग्रुप फोटो, यानी वर्कर ग्रुप फोटो जो आप क्लिक किए होंगे पिछले बार वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। हम घर पर है इसीलिए हम क्या क्लिक किए हैं, हम घर से फोटो जो खिड़की से आया वो क्लिक किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, मान लीजिए किसी का प्रेजेंट किए हैं, इस लेबर का प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो इस लेबर का फोटो आपका ग्रुप फोटो में होना चाहिए, तो आप जब एब्सेंट किए तब तो इसका फोटो नहीं लिए होंगे, ठीक है। अब आप उसको फिर से कैप्चर करना चाहते हैं फोटो को, तो उसको कैप्चर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपको एक टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ये टिक का ऑप्शन आपको इस
चेकबॉक्स को अनटिक कर देना है, यानी कि इसका टिक जो उसको हटा देना है। तो आप देख सकते हैं फिर से कैमरा का ऑप्शन आ चुका है, आप फिर से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो पिछले वाला फोटो था उसी को आप देना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आप इस तरह से कैमरा आ चुका है, अब आपको क्या करना है, फिर से इसको टिक कर देना है। जैसे आप इसको टिक कर दीजिएगा ना, इसको फिर से टिक कर दीजिएगा, तो आपका फोटो फिर से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सेव कर दीजिएगा, तो आपका जो भी अटेंडेंस आप सेव करना चाहते हैं वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, एक बार फिर से सेव कर दिए, फिर से आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपलोड करने से पहले, अगर एक बार आप इसको अपलोड कर देते हैं ना, यहाँ से आप अपलोड कर देंगे तो आपका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आप अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब अपलोड करने के बाद फिर से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर से एडिट नहीं कर सकते, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।